हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज दोपहर हो गई है तो अभी सुबह का काम ख़त्म हो गया। आज मैंने ज़्यादा काम कुछ नहीं करा है, और क्योंकि कल मैंने जो दिखाया आपको वीडियो बनाई उसमें मशीन वगैरह चलाई, तो मेरे अर्थराइज का प्रॉब्लम है, तो मेरी हड्डियों में जो है थोड़ा सी वो करते हैं तो जॉइंट स्पेन होने लग जाता है, तो कल से मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी, इसलिए कल कुछ ज़्यादा काम हो गया। तो डॉक्टर ने तो मना किया है, लेकिन ये होता है कि घर का काम काफ़ी हो जाते हैं तो मेरा मन नहीं मानता, मैं करने शुरू कर देती हूँ तो फिर लग जाती हूँ, थोड़ा सी कम होता है फिर शुरू हो जाती हूँ कुछ न कुछ, इसलिए रेस्ट नहीं होता है हाथों में। तो इसलिए जो है आज मैंने अभी ये थोड़ा दोपहर में खाना वाना बना देती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ, दाल चावल वगैरह बनाती हूँ, और थोड़ा कपड़े मशीन तो लगा दिए, थोड़ा पर्दे वगैरह रह गए थे, ऑटोमेटिक मशीन है उसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता है, थोड़ा मशीन में कपड़े डाल दिए, लास्ट मैंने बोला ना पर्दे वगैरह रह गए थे, बहुत काम हो गया था, बारिश वगैरह आ गई जिस वजह से जो है ज़्यादा पूरे कपड़े नहीं धोए हमने, फिर आज एक बार और मशीन लगा दिया तो एक साइड से मशीन चल रही है, वो तो पूरा ड्रायर वगैरह सब निकल जाता है, सीधा डालना ही होता है, और इसलिए ऑटोमेटिक जो है बहुत अच्छी लगती है, काम थोड़ा कम हो जाता है। और अभी मैं थोड़ा, आज हमारे पहाड़ी में जोई बोलते हैं और वैसे कड़ी बोलते हैं, तो दही है तो दही थोड़ा खट्टी हो गई थी, तो बच्चों को खट्टी दही अच्छी नहीं लगती खाने में, तो इसलिए मैंने बोला इसकी कड़ी बना देती हूँ, पकौड़े वाली नहीं बना रही हूँ, वो थोड़ा हैवी हो जाती है इसलिए, तो अभी बच्चों को ज़्यादातर पकौड़े वाली इतनी पसंद नहीं है, जो प्लेन ही चावल के साथ खाते हैं, तो कड़ी चावल बनाती हूँ मैं और वो आपको दिखाती हूँ, और शाम को देखते हैं पार्क, अगर आज मौसम सही रहा तो शाम को पार्क जाते हैं, और कुछ नहीं, बस लेट्स सी, आज का तो यही काम है, नहा धो के बस अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ओके, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन बन रही है, ये स्विच ऑफ कर देते हैं और ये कपड़े डाल देते हैं बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं दोपहर के लंच के लिए ये कड़ी बनाती हूँ, इसको हमारी पहाड़ी में झोई बोलते हैं, और ये दही की बनाई है मैंने, और इसको अभी पकने देंगे, जीरे का तड़का लगाया है, अभी पतला है, अभी इसको गाढ़ा होएगा, ये थोड़ा सी इसको खूब पकने देंगे, पहले बॉयल हो गया, अभी तेज आंच में करा है, थोड़ी देर के बाद जब ये बॉयल वगैरह अच्छी तरह हो जाएगा तो इसको थोड़ा सिम में जो है 5-10 मिनट तक सिम में भी पकाएंगे, 10-15 मिनट भी पका देंगे तो ये थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इसे ऊपर से पूरी परत सी लग जाती है इसकी मलाई जैसे। और ये मैंने चावल रखा है, और चावल में फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि गैस ऑन कर लो पहले, फ्रेंड्स एक सीक्रेट ट्रिक है कि जो है अगर चावल हमको खिले खिले बनाने हैं, और चावल में ऊपर से भी ये जब पानी निकल आता है ना ऊपर को, थोड़ा सीटी आती है तो बाहर को पानी आता है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक ये है कि इसमें छोटा सा नींबू का टुकड़ा काट के छोटा सा टुकड़ा डाल दो, उसके उससे जो है ना तो अंदर बर्तन काले होंगे और ना दाल में भी डालोगे तो अंदर से जो बर्तन वो हो जाते हैं बॉयल होते हैं, और आलू बॉयल करते हैं तो काले हो जाते हैं बर्तन, वो भी नहीं होंगे बल्कि अंदर से बर्तन साफ निकलते हैं, उसमें कोई दाग नहीं पड़ता है, और ये चावल जो है खिले खिले आ जाते हैं। आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए और मुझे बताइए कि जो है ये ट्रिक सही है या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगती है, आपको कैसे लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये सीक्रेट ट्रिक है मेरी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए मेरा चावल जो है बॉयल भी नहीं जाता है, और इसमें घी भी डाल दो, थोड़ा सी चावल बनते समय घी भी डाल दो तो खुशबू भी अच्छी आती है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये निकाल दो, ये टूटा हुआ रबर मेरा ये है,
यह सीक्रेट, ये हो गया जब बड़ा हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सी इसका ये टुकड़ा जो है यहाँ से कटिंग कर दिया था और फिर बराबर इसका फिट आ गया था इसमें, उसको फिट कर दिया इसके ऐसे, तो फिर मैंने इसको ऐसे फिट कर दिया था और इसको ऐसे लगा दिया था, और जिससे बिल्कुल भी ये गैस बिल्कुल लीक नहीं हुई और मेरा काम चल गया। और बाद में शाम को फिर ले आएंगे या ऐसे ही। अभी इसमें सीटी आने लगी है, देखिए बिल्कुल उबाल नहीं दिया, बिल्कुल साफ है कुकर, और इसमें सीटी आ गई है। और जबकि इसमें मैंने जो अभी आपको दिखाया रबर, इसका बड़ा हो गया था, बाहर को गैस निकल जाती थी पूरा, तो मैं मार्केट वगैरह गई एक दो बार फिर भूल गई इसका रबर लाना हो रहा है, तो वो ढीला हो गया था रबर, जिससे इसकी गैस बाहर निकल जा रही थी और पूरा उबाल चले जा रहा था। अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने ऐसे कभी ट्रिक करके जुगाड़ करके ये अभी देखो इसमें गैस बन गई है और यहाँ पे कड़ी तैयार हो रही है, ये पक रहा है, अभी मैंने सिम में कर दिया। तो आपको मेरी ये ट्रिक कैसे लगी, आई होप जरूर पसंद आएगी। घर में हर चीज़ के लिए छोटे छोटे जुगाड़ करने पड़ते हैं, और शायद आपको भी ऐसा कभी करना पड़े अचानक कोई चीज़ ना हो घर पे, तो वो चीज़ को तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और फ्रेंड्स जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी आप इसी तरह की मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। देखिए देखिए सीटी आ गई, और चावल है तो एक सीटी और आएगी, तो उसके बाद गैस बंद कर देंगे। पर एक ही सीटी में पक जाते हैं, मेरा बन गया, कड़ी कड़ी हो गई है, देखिए इतनी कड़ी कड़ी हो गई है, चावल के साथ खाने के लिए इतना सही है। पकौड़े वाली नहीं बनेगी, पकौड़े वाली रात बनाने के लिए इसके ऊपर पकौड़े पहले बना लेते हैं और इसके ऊपर पकौड़े डाल देते हैं, तो थोड़ा और गाढ़ी हो जाती है, लेकिन जो है मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये अगर पकौड़े के बनाती है। मेरे हस्बैंड को पसंद है, जब उनके लिए कभी छुट्टी के दिन बनता है तो पकौड़े डाल देते हैं। चलो ओके गाइस, अभी गैस बंद कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।